हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो देखो, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने इंटरनेट स्पीड को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर पाओगे, एंड आप अपने जो भी जितने भी अगर यूट्यूब देखते हो या फिर कुछ भी चलाते हो या फिर टिकटॉक चलाते हो तो कैसे उसको अच्छे ढंग से देख पाओगे बिना रुकावट के। तो सारा कुछ मैं वीडियो में बताऊँगा। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जैसा कि आप जानते हो, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि हमारे नए वीडियोज़ आप तक जल्दी पहुँचे। तो गाइज़, अभी जो है हमारे चैनल पर चल रहा है गिव अवे, जिसमें अगर पार्टिसिपेट करोगे तो आप लोग हो सकता है आप विनर बन जाओ, एंड 25 रुपये का फ्री पेटीएम के साथ आप लोग को मिल जाए। तो देखो, चलिए ये सब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस वीडियो को वॉच कर लेना। तो चलिए आज के वीडियो हम शुरू कर लेते। सबसे पहले आपने सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में अपने फ़ोन के सेटिंग में जैसे जाओगे तो आप लोग को डुअल सिम एंड सेलुलर नेटवर्क बोल के एक ऑप्शन दिया जाता है। जिस हो सकता है आपके फ़ोन में डुअल सिम एंड सेलुलर नेटवर्क ना हो, के सिम कार्ड मैनेजर का ऑप्शन हो सकता है। तो देखो, उसके बाद आपको सिम वन एंड सिम टू का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें अगर जियो सिम वन में लगाए रखे हो तो क्लिक कर देना। एंड उसके बाद आप लोग को नीचे एक एक्सेस पॉइंट नेम बोल के ऑप्शन दिया जाता है, उसमें क्लिक करना है। एंड नीचे रेजेट का ऑप्शन होता है, ठीक है, तो रेजेट कर लेना, जिससे कि आपका जितना भी यहाँ पर कचड़ा जमा हुआ है सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, जिसको आप क्लियर कैचे भी बोल सकते हैं। तो देखो, ज़्यादा जैसे क्लियर हो जाता है तो आप लोगों को नीचे ही एक प्लस का ऑप्शन हो सकता है या फिर नीचे ऊपर में भी हो सकता है, आपके फ़ोन के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो, जिस जैसे क्लिक कर दोगे तो आप लोग के पास ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो आप लोग क्या करना है, सबसे पहले आता है नेम, तो नेम में क्लिक करना है। आप देखो, सारा कुछ बढ़िया से देखना, ठीक है, एकदम अच्छे से देखना, वरना आपको इंटरनेट स्पीड नहीं हो पाएगा। तो देखो, सबसे पहले आता है नेम। नेम में क्या करना है, आप लोगों को लिखना है जियो, जो कि जे कैपिटल होगा, ठीक है, एंड एक स्पेस पी यू पी, जो कि पी कैपिटल होगा, यू कैपिटल होगा और पी भी कैपिटल होगा, यानी बड़ा होगा। उसके बाद एक स्पेस, फिर फोर और कैपिटल जी। उसके बाद ये लिखने के बाद कर देना है सेव। सेव जैसे ही कर दोगे आप लोगों के पास एक ऑप्शन आएगा फिर से खुल के APN, तो APN में लिखना है आप लोगों को, तो APN में आप लोगों को लिखना है जियो नेट, जो कि सारा कैपिटल स्मॉल लेटर में होगा, ठीक है, जियो नेट। उसके बाद आ जाता है प्रॉक्सी, प्रॉक्सी को नॉट सेट। उसके बाद आ जाता है पोर्ट, पोर्ट को भी नॉट सेट। उसके बाद आ जाता है यूज़र नेम, तो यूज़र नेम में यहाँ पर आप लोग को लिखना है, तो यूज़र नेम में आप लोग को यहाँ पर लिखना है पी यू पी, जो कि पी यू पी सारा कैपिटल लेटर में ही होगा, बड़ा अक्षर में, ठीक है। उसके बाद इसको कर देना है सेव। तो देखो, उसके बाद आ जाता है आप लोगों के पास खुल के एक पास कोड का ऑप्शन, तो इसको कुछ नहीं करना। उसके बाद आता है सर्वर, तो सर्वर में आप लोग क्या करना है, लिखना है www.jio.com। ये लिखने के बाद आपको कर देना है सेव, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए वरना आपका इंटरनेट स्पीड नहीं हो पाएगा। देखो दोस्तों, कमेंट जरूर करना अगर आपका इंटरनेट स्पीड होता है तो भी, और नहीं होता है तो भी, ठीक है, जिससे हमको मोटिवेशनल मिलेगा। तो उसके बाद ये जो आपको ऑप्शन मिलेगा MMSC, MMS प्रॉक्सी, MMS पोर्ट, इसको आपको नॉट सेट रहने देना है, एंड MCC और MNC को भी नॉट सेट रहने देना है, और इसको छिड़छाड़ नहीं करना है MCC और MNC को। तो उसके बाद आ जाता है ऑथेंटिकेशन टाइप, तो इसमें आपको सबसे नीचे वाले में पेपर चेप कर देना है। एंड उसके बाद आ जाता है APN प्रोटोकॉल, ठीक है, APN टाइप को नॉट सेट रहने दें। उसके बाद आ जाता है APN प्रोटोकॉल, तो इसमें आपको IPv4/IPv6 में क्लिक कर देना है, सबसे नीचे वाले में। उसी प्रकार आपको APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी करना है, क्लिक कीजिए और सबसे नीचे वाले में टच कर दीजिए, ठीक है, IPv4/IPv6 वाले में। एंड उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग बियरर, जो कि आप लोगों को कैसे करना है, यहाँ पर सारा कुछ देखिए किस में टच करना है, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो इसमें क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको काम आया था होगा कि आप अनस्पेसिफाइड को अनटिक कीजिए, उसके बाद LTE पर टिक कीजिए। देखिए यहाँ पर जो फंडा आता है कि जो LTE, काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन में मैंने देखा है कि LTE सपोर्ट नहीं करता है, मतलब सॉरी LTE सपोर्ट करता है, बाकी सारे सपोर्ट नहीं करते हैं। तो क्या करना है, आप लोगों को LTE पर क्लिक करके छोड़ दीजिए, ठीक है, इससे भी आपका इंटरनेट स्पीड हो जाएगा। तो देखो, अगर जिसमें सारे कुछ सपोर्ट करते हैं तो आप लोग क्या करना है, GPRS तक सबको टिक कर दीजिए, ठीक है, इतने सारे सपोर्ट का टिक कर दीजिए, ठीक है, और अगर सपोर्ट नहीं करता सिर्फ LTE पे क्लिक करके छोड़ दीजिए। देखिए, अब इतने सारे हो जाने के बाद MVNO टाइप को नन रहने दीजिए, एंड ऊपर में सेव कर दीजिए। हो सकता है आपका नीचे भी सेव का ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, नीचे भी दिया हो सकता है मोर करके एक ऑप्शन, जिसमें सेव का ऑप्शन होता है, तो सिंपली सा सेव कर दीजिए ऊपर में जाकर। एंड देखो, सेव जैसा ही हो जाता है तो उसके बाद देखो वीडियो में कमेंट करना कि आपका इंटरनेट स्पीड हो पाया है या नहीं। एंड देखो, ये मैं रात में वीडियो शूट कर रहा हूँ तो हो सकता है आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम आया हो, लेकिन वीडियो को लाइक करके जाना, साथ ही कमेंट जरूर करना। देखो, अब आपको क्या करना है, नीचे वाले में टच कर देना जो कि नया APN था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो इंपॉर्टेंट रहा, मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।